इसराइली डिफेंस फोर्स IDF ने सोमवार को हिजबुल्ला के 1600 टारगेट को निशाना बनाते हुए लेबनान में एयर स्ट्राइक की। इनमें 10,000 रॉकेट्स बर्बाद करने का दावा किया है। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस हमले में अब तक 492 लोगों की मौत हुई है, इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वहीं 1645 लोग घायल हैं। जानकारी के अनुसार 2006 में इसराइल लेबनान जंग के बाद लेबनान पर यह सबसे बड़ा हमला है। फिलहाल लेबनान में 25 सितंबर तक के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। अब लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। इसराइल ने लेबनान में चलाए जा रहे ऑपरेशन को नॉर्दर्न एरोस नाम दिया है। IDF का दावा है कि हिजबुल्ला दक्षिणी लेबनान में घरों में मिसाइलें छुपा कर रखता है, जिन्हें लगभग एक साल से इसराइल में दागा जा रहा है।